गांव है? यहाँ से कम से कम 400 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर यहाँ से। जैसे कि न्यूकोजियार, अगर न्यूकोजियार आपका हो गया यहाँ से 250 किलोमीटर, 250। न्यूकोजियार से धुबरी हो गया 65 किलोमीटर। দেখো আর কি রাজ্য করে আলাদা আলাদা মেলা কি বেঙ্গল ঢুকতে হবে, এবার বেঙ্গল থেকে ফের আসাম ঢুকতে হবে। নিউকোজিয়ার দিয়ে গেলে কোন স্টেশনে নামে? নিউকোজিয়ার থেকে আমাদের ওখান থেকে মাসে दोस्तों, ये प्रवासी मजदूर है जो यहाँ से कुछ ही दूरी में भट्टा में काम करते थे, और आज जब इन लोगों के पास खाने पीने की सामान कम हो गई, पैसा कम पड़ गया, तो इन लोग चल दिए अपनी घर की ओर। घर भी लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी बताया जा रहा है, जो कोचबिहार पड़ता है ना, कोचबिहार से आगे। भट्टा वाला कुछ करके नहीं दिया कि गाड़ी वगैरह आप लोग घर तक जाने के लिए? सिलीगुड़ी से कितना दूरी में वहाँ पर घर? सिलीगुड़ी से और दूर पड़ेगा, 250। आप पीछे देखिए कि प्रवासी मजदूरों की लाइन लग चुकी है, या जो भट्टा में आप लोग यहाँ इन लोगों को एक पथरिया के नाम से जान सकते, जो भट्टा में जो ईटा बनाते ना, तो ये लोग पथरिया है। क्या आप लोग पास पैसा वगैरह कुछ भी? हम लोग का तो जो पैसा थोड़ा, जो पैसा था वो खा के खत्म, भट्टा में काम बंद। आप लोग घर तक कुछ पहुंचाने के लिए कुछ प्रोसेस करके नहीं दिया? यहाँ पर हमारी जो माँ बहन है वो भी पैदल ही चल रहे हैं। अब बताइए कि ये प्रवासी जो मजदूर है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उतना दूर जाना इन लोगों के लिए इतना संभव नहीं है। यहाँ से सिलीगुड़ी, कुचबिहार बहुत दूरी में। वो पीछे जो आ रहे हैं बच्चा चले गया सब है ये क्या? अब देखिए पीछे जो लाइन लगी हुई है बच्चा, आए कितना दूर से आप लोग? आए कितना दूर से? भेलागुड़ी से। यहाँ से ठाकुरगंज पैदल चलना है, यानी आप लोगों को यहाँ से लगभग और 20 किलोमीटर, मैंने 22 किलोमीटर लगभग पैदल चल के फिर सिलीगुड़ी तक पहुँचा जाएगा। उसके बाद वहाँ से कुछ भी यार आप लोग इसमें क्या खा पी के निकले आप लोग? सुबह 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 ही निकले हैं भेलागुड़ी से? सुबह निकले हैं लगभग 9 बज चुका है। बताइए कि सुबह निकल के इन लोगों का 9 बज चुका है। हालांकि भट्टा मालिक को ये करना था कि कोई ट्रैक के माध्यम से इन लोगों को अपना जो प्रवासी मजदूर अपना जितना भी पथरिया इन लोगों को करना क्या था कि घर तक पहुंच जाए जितना भी भाड़ा। क्या बात हुआ था? घर तक आप लोग को भट्टा में ले जाएंगे? हाँ, घर तक ले जा करके पहुँचाएंगे। मतलब जब लेके आया था तो ये बोल के लेके आया कि जब लेके जा रहे तो घर तक पहुँचाएंगे, मगर ये पहुंचा नहीं रहे हैं। क्या मालिक क्या बोले आखिरकार? क्या बोले चाचा? ये भी है पैदल चलना इतना दूर। तो उसके नहीं बोले कि हमको कम से कम अगर कुछ भी नहीं दे तो कम से कम घर तक पहुंचा दीजिए किसी गाड़ी के माध्यम से किसी। आप लोग कितना आदमी आ रहे हैं वहां से? 30-40 आदमी। इसमें बच्चा भी है, देखो ना कितना सुंदर बच्चा। इन लोग बच्चा भी है। अच्छा, कुछ बांध के वगैरह लिया कि बिस्किट वगैरह कुछ खाने पीने के लिए बांध के कुछ लिए? पैसा रहेगा पास में तब ना लेगा, पैसा रहेगा तब पास में ना।
अभी भट्टा वाले कुछ भी दिया है? कुछ नहीं दिया। तो आप एक काम कीजिए, इतना यहाँ पर दुकान भी करीब नहीं जो कुछ लेके दिया जाए। ढेर आदमी है ना, और भी 40-42 आदमी और भी होगा। इसको पकड़िए। और कल बोला है कि वो तो खासी खुशी होगा, जोर जोर होगा। इसको बच्चा लोग ऐसे पानी खाएगा, रास्ता भर पानी पीते जाएगा। अच्छा पानी उनी नहीं है आप लोगों के पास? पानी भी नहीं है। एक काम कीजिए ना बड़े भाई, इन लोग पानी ला के दिए थे पहले, हम तब तक मेरे गाड़ी लेके आप आपका गाड़ी लेके चले जाइए। 5 बोतल पहले पानी लेके दिए, 5 बोतल लेके आ जाइए तब तक। इस बाजार में मिल जाएगा ना? इस बाजार में नहीं हो, आप नूर चौक से ला के दे दीजिए ना। पानी ले लीजिएगा और बिस्किट वगैरह ले लीजिएगा, और भी ओटो दे दीजिए। ये 200 रुपये लगे पानी और बिस्कुट लेके आइए तब तक। इन लोग आप लोग एक काम कीजिए, हम आप लोग पानी और बिस्किट वगैरह मुहैया करवा दें, तब आप लोग यहाँ से खा पी के निकलिए, ठीक है? ताकि आप लोग परेशानी ना हो। कोशिश कर रहे कि आप लोग घर जो है सही सलामत पहुँच जाए। अच्छा कितना दिन हुआ आप लोग आने का? अच्छा आठ नौ महीने। अच्छा आप भी काम कर रहे थे? आप भी काम कर रहे थे बाबू? ये बच्चा है, ये लेके चल रहे हैं घर की ओर। ये भी बच्चा, कुछ कुछ खाने पीने दिए बच्चा को? खाने पीने नहीं दिए। अच्छा एक दुकान में आप आदमी दे। अच्छा आप लोगों ने अभी बिस्किट और पानी हम मुहैया करवा देते कि बिस्किट और पानी पी के आप लोग यहाँ से लेके आइए। और मैं इकट्ठा कुछ पैसा दे देता हूँ आप लोगों, ठीक है? कुछ पैसा दे देता हूँ ताकि आप लोग जो रास्ते में हैं रास्ते में इकट्ठा कुछ खरीद के खा ले, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाने के लिए आगे। तो बताइए कंडीशन है, जब भट्टा मालिक लेके आया था कि लोग आप लोगों को घर पहुँचाने की जिम्मेवारी मेरा, अभी तक ये सरकार का ऑर्डर है कि जब तक यहाँ पर है यहाँ पर सुरक्षित रखा है। भट्टा मालिक क्या कह के भेजा आप लोगों को बताइए? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भाई यहाँ ये भट्टा मालिक। अच्छा आप तो थक चुके हैं, चलिए बैठ के बताइए भट्टा मालिक आप लोगों को क्या कह के भेजा यहाँ पर? इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि इन लोग आप लोग घर जो सैंपल है जो मेरे दोस्त लोग देख सेना के माध्यम से आप लोग बताइए कि ताकि इन लोग आप लोगों वो जो कुछ भी नेतागण अगर देख ले इस वीडियो को ताकि आप लोगों मदद हो जाए कुछ। आप लोग जो सही जगह है वो कोच भी आ रहे हैं? नहीं है सर, हम लोग का धुबरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गाँव। अच्छा मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा, धुबरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। ये आसम के आसपास पड़ता है क्या? आसम बॉर्डर पड़ता है। तो बताइए यहाँ से मतलब नूरी यानी आपका गोड़ी से आसम की दूरी लगभग 350 किलोमीटर ये लगभग बता रहे हैं, और ना ही इन लोगों के पास खाने पीने का सामान है ना ही पैसा है। इन लोग आखिरकार जाए तो जाए का, भट्टा मालिक इन लोग ऐसा यूं ही कैसे छोड़ दिया? जब तक कोई सावधान नहीं है, अगर भट्टा मालिक करेंगे तो भी सिलीगुड़ी तक इन लोग बता रहे हैं। सिलीगुड़ी से कोचबिहार की दूरी और लगभग इन लोग अगर पैदल चले तो 2 दिन चलना पड़ेगा। ना इन लोगों के पास खाने पीने का सामान है, इतना बोरिया बिस्ता है इन लोग लेके चले। तो मैं चाहूँगा कि आखिर भट्टा मालिक इन लोगों को यूं ही छोड़ कैसे दिया? सिर्फ आप लोगों बात बोला गया है चाची कि वहाँ तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए सिलीगुड़ी तक, उसके बाद वो उधर आप लोग पैदल चलिएगा, वहाँ से तो बहुत दूर है पैदल। दो दिन लगे वहाँ से पैदल। अब बताइए पैदल 2 दिन लगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ भी एक छोटे बच्चे हैं। तो बताइए क्रिटिकल मामला में भट्टा वाला यूं ही तनहा छोड़ देना, ये डेंजर मामला है। आप उन लोगों को बुला लीजिए ना, कम से कम यहाँ से पानी वानी पी के जाएगा। क्यों सुबह निकला है, अभी तक कुछ सही से खाया पिया नहीं है ना, ये इतना प्यासे भूखे इस कंडीशन में इस सिचुएशन में कोई मदद करना भी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को पानी वगैरह बिस्किट वगैरह पिलाया जाए।
मैं चाहूंगा कि इन लोग पानी बिस्किट वगैरह खा पी के यहाँ से निकले, ताकि इन लोग कुछ जो दुख दर्द हो वो दूर हो। भट्टा मालिक से भी अनुरोध करूंगा, अगर आप लाइव के माध्यम से इन लोगों को देख रहे हैं, अगर ये मजदूर, ये प्रवासी मजदूर आपके भट्टा का है, तो आपका जिम्मेवारी है कि आप परमिशन लेके इन लोगों को इनका घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आप जो बोल के लेके आए थे कि इन लोगों को घर तक पहुंचाएंगे, यही बोल के लेके आया था ना कि जब लेके जाना तो घर तक पहुंचाएंगे। जब आए थे तब तो किस में लेके आया गया था उन लोग? बस में लेकर गया, बस में लेके आया था। अब बताइए, भट्टा मालिक जो जब लाया था प्यार से बस में लेके आया था, अब जो भेज रहे हैं ये पैदल, ये सिचुएशन देखिए कि अब जो भेज रहे हैं लोग पैदल भेज रहे हैं, अब कंडीशन समझ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि इन लोगों का जो भट्टा मालिक है या फिर इन लोगों वहाँ का कोई भी नेता मंत्री है देखिए और इन लोगों मदद करें। कुछ भी यार, इन लोगों का घर है यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सुबह निकला, अभी तक लगभग मेची के आसपास पहुँचा, जो ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत आता है। आप लोग थोड़ा दूरी बना के बैठिएगा, दूरी बना के, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है अभी सिचुएशन में। दूरी बना के बैठिए थोड़ा सा। कहाँ जी, वो बिस्किट वगैरह पानी वाली लिखा है अभी नली लिखा है। यहाँ से किसी का घर नजदीक है क्या? आप लोग भट्टा का नाम बताइए, कौन सा भट्टा है? स्मार्ट भट्टा। भट्टा का मालिक का नाम बताइएगा। गब्बर। स्मार्ट भट्टा गब्बर उसका नाम है, भट्टा मालिक का। यूं प्रवासी मजदूर को असली नाम क्या है? अच्छा अच्छा, असली नाम नहीं है, डाक नाम भट्टा स्मार्ट है। उन लोगों भी जाओ जाओ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना, चलो जाओ। क्या गनी है भट्टा का मालिक का नाम? अच्छा, उसका नाम गब्बर है, निक नाम गब्बर है ना, भट्टा स्मार्ट है, निक नाम गब्बर है। इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो 30-40 सब एक ही भट्टा के हैं। आप लोग सब एक ही भट्टा के हैं? आप लोग इतना दूर पैदल चलने के बोला कि आप लोग पैदल यहाँ तक आइए। अब बताइए कि 20 जाया जाएगा, उसके बाद ट्रक से मात्र सिलीगुड़ी छोड़ा जाएगा, उसके बाद वहाँ पर इन लोगों को फिर पैदल घर भेजा जाएगा। भट्टा मालिक जब बोल के लेके आए थे कि आप लोग घर पहुंचाने का जिम्मेवारी मेरा है, तो प्रवासी मजदूर को यूं ही रास्ते में भटकते कैसे छोड़ देते हैं ये भट्टा मालिक, सब समझ से पड़े हैं। अभी तक आया नहीं वो? अच्छा, यहाँ पर किसी का घर नजदीक है क्या? नहीं है ना। प्रवासी मजदूर को जो दर्द है कि बताइए, ये जो आ रहे हैं पैदल, अयाल कुछ एक काम कीजिए, कुछ उस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहां पर छाया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ख्याल रखिए। बताइए, इतना छोटे छोटे बच्चों के लेकर इन लोग आखिरकार चल, कुछ वहां पर उस रास्ते में बैठ जाइए वहां पर। ए तुम लोग भाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ वहां पर जाकर बैठ जाइए। देखिए आजम भाई, इन लोग है कूच बिहार के, जो पथरिया बोलते हैं हम लोग, जो भट्टा में काम करते। बताइए कि वो जो बच्ची है छोटे छोटे पैदल है, ना पैर में चप्पल ना कुछ भी। आप लोग अब और कोई नहीं है ना? कुछ इस पार बैठ जाइए, कुछ उस पार बैठ जाइए। अब बताइए कि नन्ही सी बच्ची है। नहीं बता पाओगी? मालूम नहीं। अब बताइए कि बच्ची भी पैदल जा रही है, ये आप ही की बच्ची है? अच्छा, बहू का बच्चा है। अब एक काम कीजिए, पहले उस गाछ के नीचे कोई बैठ, कितना आदमी बैठ जाए थोड़ा सा छोड़ के, और कुछ उस गाछ के मिला भाई मिला। अच्छा, कुछ इन लोगों को मुहैया करवा रहा हूँ कि इन लोग बिस्किट वगैरह और पानी नहीं मिला? पानी वगैरह दे दिए, पानी और बिस्किट इन लोगों को मुहैया करवा देता हूँ कुछ, ताकि इन लोग खा के कुछ पेट भरे। अच्छा, बड़ा बिस्किट तो नहीं मिला? इसको पकड़ दो बहू, बड़ा नहीं चाहिए, इसको दाबना मत, यहीं पर पकड़ कर। इन लोग चाहूँगा कि कुछ बिस्किट और पानी
पानी की बोतल का दे दिया। यार दबना मत। अच्छा आप लोग क्या जो लिए, तीन जो लिए वहाँ पर तीन जो दे दीजिए। आप लोग उसी पानी में दो पानी दो वहाँ पर। दो पानी वहाँ पर पहुँचाओ सब। आप लोग 200 पानी पहुँचा दीजिए। तीन बीस किलो दिए। तीन कितना आदमी ऊपर? यहाँ पर आप लोग बांट लीजिए, पकड़ लीजिए बांट। अबे ले क्या हूँ मुझे क्या हुआ इसलिए पैदल जा रहा है। निकाल देंगे। इनका भट्टा जो मालिक था, इनका एक का ये बात था कि इन लोगों को खाने पीने का कुछ सामान मुहैया करवाए। चलो तुम लोग वहाँ से हटो ना जी, रोड से हटो ना, हाईवे से हटो ना वहाँ से। सर भट्टा से इनका काम था कि भट्टा मालिक इन लोग अपना स्थान तक पहुँचा दे। मजदूर को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल कुछ भी आ ना, कुछ भी आ ना। हाँ स्मार्ट भट्टा बता रहा सर, थोड़ा इधर आ जाए। और कोई नहीं है बिस्कुट कर मात्रा पड़ेगी। हाँ बोलो कितना और है? इन लोग लगभग 20 किलोमीटर अभी पैदल चल के वहां पर जाएगा। तुम लोग जाओ यहां से, बता रहे ना। यहां पर इन लोगों का खतरा इसलिए भी है कि आवाजाही जो करते हैं गाड़ी, हाईवे में अभी लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है, दिक्कत ही है। आप लोग थोड़ा सा छोड़ छोड़ के बैठिएगा एक जगह नहीं, ठीक है? और जाइए तो हरा। आप लोग थोड़ा सा साइड साइड पे, आप लोग भी आए। और कोई है क्या पीछे? आगे
अरे आप लोग खा पी लीजिए उसके बाद आराम से निकलिए। साहिल ये प्रवासी मजदूरों का जो जत्था है, इन लोगों का पैदल इतना दूर जाना है, भट्टा मालिक को चाहिए था कि इन लोगों को अपना मंजिल तक पहुंचा दे। जब बोल के लेके आया था बस से, अब पैदल भेज रहे हैं, ये बहुत ही डेंजर मामला है। ये आप लोगों मिला रिश्ते वगैरह मिला, पानी वगैरह मिला, पानी ना? अच्छा बच्चा भी आप लोगों पास है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम ये नहीं कि हम पानी और बिस्किट वगैरह बांटते हैं, बनाने का मकसद ये है कि भट्टा मालिक जब इन लोगों को लेके आया था पथरिया के बस से, मगर पहुंचाना का भी जो कर्तव्य था ये भट्टा मालिक का था, मगर यूं ही भट्टा मालिक बिना कुछ किए इन लोग भटकते हुए छोड़ दिया कि आप लोग आइए वहां से आप लोग ट्रैक मुहैया करवाया जाएगा, फिर भी घर तक पहुंचाया नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी तक। उसके बाद जो कोचबिहार है वहां से कोचबिहार की दूरी बहुत दूर है, क्या सिलीगुड़ी से बहुत दूर है ना? चलिए जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो दुख है, ये दर्द जानते हैं कि प्रवासी मजदूर आखिरकार इतना छोटा छोटा बच्चे जाए कहां से। ठीक है आप लोग पानी वगैरह मिल गया ना? कहने का मतलब ये था लाइव कि आखिरकार जो प्रवासी मजदूर आपके घर में अगर काम कर रहे हैं तो आप यूं ही भटकते ना छोड़े। आप लोग पानी नहीं पी लिए ना? अब तो टेंशन नहीं है ना? ठीक है आप लोग आराम से निकल सकते इतना छोटा छोटा बच्चा को लेकर। अब बताइए इतना छोटा, आपको भी जाना वहाँ? ये कौन है? वो बच्चा है? ठीक है आप लोग आराम से निकल जाइए, ठीक है, मगर भट्टा मालिक को करना ये था कि ठीक है आप लोग आराम से निकले, पानी वगैरह पी लिया ना? गोद में लेके गया? हाँ गोद में ले गया, वो अभी ठाकुरगंज में होगा। हाँ वो टेम्पू से गया था ना? हाँ टेम्पू से जाके वो टेम्पू वाला 200 रुपये मांगा था। टेम्पू वाला 200 रुपये मांगा था? टेम्पू वाला से भेज दिए, वो वहीं पे उतर देगा हॉस्पिटल का मोड़ पे। तो ठीक है आप लोग आराम से निकलिए, ठीक है। हाँ एक काम कीजिए, यहाँ का कोई मालिक है वगैरह? उल्लू भी हमें एक एक जगह कर पैसा दे, ठीक है आप लोग कुछ खरीद के खा लीजिए। आप कहाँ हो? नहीं वो तो अच्छा चल गया क्या? वो आप ले लीजिए, ठीक है आप लेके जब खाइएगा ना बिस्किट वगैरह पानी वगैरह लेके एक इकट्ठा खा लीजिए। उल्लू भी रुकाइए कुछ पैसा देते। आप लोग मारो उल्लू जब भी खाइएगा उल्लू मिल के खाइएगा, आप लोग दिक्कत ना हो। जब आप लोग खाए ना एक इकट्ठा ले लीजिए, जब भी आप लोग खाए ना कुछ मिल
तो इन लोगों को पहुंचाना भट्टा मालिक का काम था। तो शुक्रिया।